बच्चों में विकी सीएम एंड विकी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको सिखाऊंगा 150 तक का योग, 100 से 200 तक का योग, 2 अंगों की सभी संख्याओं का योग, 3 अंगों की सभी संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग। एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है कहीं ना कहीं। पिछली बार ऐसा ही मैं जो क्वेश्चन पूछा था इसी क्वेश्चन से पूछा था, लेकिन बस थोड़ा सा घुमाया गया था वो। तो आज आपको छोटे बड़े से भी क्वेश्चन करवाए जाओगे, लेकिन पहले आपको बेस पता होना चाहिए। तो आज का जो सवाल है, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। आपको पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है कि 1 से लेकर 50 तक संख्या लिखो, फिर सभी संख्याओं को जोड़ो। जैसे 1 और 2 3 3 और 3 6 6 4 10 5 15 6 21, इस तरीके से। और आंसर आपको देना है। अब इतना बड़ा सवाल आपसे ऐसे नहीं होगा, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक छोटा सवाल देखें, 1 से 10 तक का योग देखें, 1 से 10 तक का योग। तो 1 से 10 तक का योग, अगर पेपर में सवाल हो कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ, तो बच्चे क्या करेंगे जिनको पता नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वे जोड़ना शुरू करेंगे, बोल लेंगे आंसर 55 है। तो 10 तक का तो आंसर काट लेंगे, 20 तक का भी काट लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 50, 100, 150, 200, 500 तक का आंसर नहीं निकलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, समझे आप? शुरुआत कहां से है, 1 से, तो 1 लिखो। कहां तक पूछा, 10 तक, तो 10 लिखो। इन दोनों को आप जोड़ दो, 10 और 1 11। अब देखो शुरू के लिए लास्ट के लिए योग आया 11। अब 1 के बाद क्या आ गया, 10 से पिछला 9 जोड़ियो, 9 2 11। फिर इससे अगली 3, इससे पिछली 8 8 3 11। फिर इससे अगली 4 7 7 4 11। फिर 5 फिर 6, क्या हो रहा, 11। तो हर जोड़ा बराबर क्यों आ रहा, आपको ये बात पता होनी चाहिए। जिसने ये सवाल समझ लिया, बाकी सब सवाल समझ में आओगे। तो समझो ऐसा क्यों हो रहा, एक ही सवाल मेन है समझने के लिए, फिर तो होते चले जाओ। आपने क्या करा, शुरू की लिखी लास्ट की लिखी, योग आया 11। अब आप क्या कर रहे हो, ऊपर से तो एक जोड़ते हो, ऊपर से एक जोड़ते हो, नीचे से घटाते हो। जब किसी संख्या में ऊपर से एक जोड़ रहे हो या किसी संख्या में आप एक जोड़ रहे हो और एक ही घटा रहे हो, तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि पहली और लास्ट का योग 11 है, ऊपर से एक जोड़ोगे नीचे से घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 ही आओगा। आपके बात समझ में आगे होगी, क्लियर? तो करना क्या है, सोर तरीके से सिर्फ शुरू की लिखो लास्ट की लिखो। अगर मैं 10 की 10 संख्या लिख दूंगा, हर जोड़ा 11 का बनेगा। तो 10 संख्या है, 10 के जोड़े क्या बनेंगे, 10 के जोड़े बनेंगे 5। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने 10 संख्या लिख दी, हर जोड़ा 11 का, जोड़े बनेंगे 5, तो 11 क्या बार आएगा, 5 बार। तो 11 को या तो 5 बार जोड़ लो, 11 जमा 11 जमा 11 जमा 11, 5 बार जोड़ लो 55 आएगा, या 11 गुना 5, आंसर 55। तो सर इतना सवाल करके देखा करें, और आपको पता होना चाहिए अगर संख्या लगातार है, जो शुरू की लास्ट का जोड़ा बना, अगला पिछला वही जोड़ा बनेगा, अगला पिछला वही जोड़ा बनेगा। क्लियर इस बात को? शुरुआत करते हैं 150 तक की। आपके शायद सवाल समझ में आ गया होगा। आज जो सवाल चले गए आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, जब मैं इनको सवाल को घुमाना शुरू करूंगा। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग, शुरुआत कहां से, 1 से, एंड कहां है, 50 में, 50 और 1 51। अब ऊपर से एक जोड़ोगे नीचे से घटाओगे कितना बनेगा, 51। यानी कि 1 से 50 तक अगर आप संख्या लिख दोगे,
शुरू का लास्ट का, अगला पिछला अगला पिछला, हर जोड़ा 51 का बनेगा। कितना का बनेगा? 51 का बनेगा। संख्या कितनी? 50। जोड़े कितने बनेंगे? 25। यानी कि 1 से 50 तक संख्या लिखूंगा, हर जोड़ा 51 का होगा और जोड़े हो गए 25। तो हर जोड़ा 51 का है, जोड़े है 25, तो 51 क्या पर है आपका? 25 बार। तो 51 गुणा 25 कर सकते हो, 1275 होगा, गुणा करके देख लो मेरे हिसाब से। क्लियर है? आप देखना चाहो देख सकते हो। 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 7 2 1, 1275। क्लियर? अब सवाल की शुरुआत करते हैं। एक से सौ तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो शुरुआत 1 से एंड 100 पे, दोनों जोड़ दो कितना? 101। संख्या कितनी? 100। जोड़े कितने बनेंगे? 50। क्योंकि 1 से 100 तक संख्या लिखूंगा, हर जोड़ा 101 का, 100 संख्याओं के जोड़े कितने? 50। तो 101 कै बार आओगा? 50 बार गुणा 5050। क्लियर? तो अब आपसे 1 से 50 तक कहो, 1 से 80 तक कहो, 1 से 60 तक कहो, 1 से 200 तक कहो, 1 से 500 तक कहो, 1 से 1000 तक कहो, आपका सवाल निश्चित ही निकल जाएगा। क्लियर? अब शुरुआत करते हैं नए सवाल की। इक्कीस से 80 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। भैया शुरुआत कहां से है? 21 से। कहां तक? 80 तक। शुरुआत लिखो एंड लिखो। कितना भैया? 101। लेकिन अब कुछ बच्चों कंफ्यूजन क्या होगा, जब मैं बोलता हूं 150 तक की संख्या गए हो, तो आप कहते हो कि 50 तक अगर संख्या दी गई है जोड़े बनेंगे 25, अगर 100 तक संख्या दी गई है जोड़े बनेंगे 50। अब यहां है 21 से 80 तक, तो शुरू की लिखी लास्ट की लिखी, कितना आया? 101। लेकिन अब कंफ्यूजन किस बात का कि ये टोटल संख्याएं कितनी है? जब तक संख्या नहीं पता, जब तक आप जोड़े नहीं बना सकते। अब कुछ बच्चे तो उंगली पे गिन देंगे, 21 से शुरू है, 21 37 40 50 60 70 80, नहीं यानी कि किसी ना किसी तरीके से गिन लेंगे। लेकिन गिनने का तरीका क्या है, समझे मेरी बात आप? एंड कहां पे? 80 पे। आप ये मान लो कि हमारे घर में 80 आदमी, कितने आदमी? 80 आदमी। इनके नाम क्या है? एक नाम, दो नाम, तीन नाम, चार नाम का, पांच नाम का, छह नाम का, आठ नाम का, नौ का, दस का, ग्यारह, बारह, तेरह, 35, 40, यानी कि 180 तक लोग हैं, जिसका एक का नाम एक है, दो का नाम दो है। ये मान लो आपके पास 80 आदमी है, और कहां से? 1 से 80 तक। कितने गायब है आगे के? आगे के 20 गायब है। आगे कितने गायब है? 20 गायब है। यानी कि अगर मैं 1 से 80 तक देखूं तो टोटल कितने लोग हैं? 80। लेकिन यहां कितनी शुरुआत है? 21 से 80, तो आगे क्या गायब है? 20। तो आप क्या करोगे, आप टोटल 80 मान लो कि हमारे पास 80 लोग थे, शुरू के क्या गायब है? 20 गायब है, तो संख्या कितनी बची? 60। यानी कि ये संख्या 60 है, 21 से लेकर 80 तक जो संख्या है टोटल 60 संख्या है, समझने की आप कोशिश करियो। तो अब 60 के जोड़े बनाओ कितने बनेंगे? 30 जोड़े। तो 101 क्या बार आओगा? 30 बार। तो 101 गुणा 30, 3030। कोई दिक्कत इस बात को लेकर? आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।
क्लियर। आप एक सवाल और देख लो, 51 + 52 + 53 + का योग, का योग, ये आपके आरएसएस अग्रवाल का सवाल है। अब आप करो क्या करोगे, 51 से कहां तक पूछा, 100 तक, शुरू की लिखो लास्ट की लिखो, कितना 151। अब बात यह है कि ये संख्या कितनी, वैसे सभी को पता होगा कि 51 से 100 तक टोटल 50 संख्या होती है, लेकिन आपसे अगर नहीं निकल रही आप क्या करोगे, आप मान लो टोटल 100 संख्या थी हमारे पास, 100 का मतलब होता है 1 से लेकर 100 तक संख्या, मान ली कि हमारे पास टोटल 100 संख्या है, कितनी गायब है, आगे की 50 गायब है, कितनी गायब है 50 गायब है, तो 100 में से 50 घटा दो कितनी रहेगी 50, तो ये संख्या है 50। 50 जोड़े कितने बनेंगे 25 जोड़े, कितने जोड़े बनेंगे 25 जोड़े, जोड़े का मतलब है 2 से भाग करना, जोड़े का मतलब है 2 से भाग करना, तो 151 है, तो 151 गुणा 25 शायद 3700 पूछा होगा, देखते हैं 1.1 गुणा 25, 5 5 5 5 5 25 5 5 हासिल कर दो, 5 6 7 2 1 2 2 5 10 0 हासिल करे, 2 1 2 3 5 7 7 3 तो 3075 इसका आंसर होगा। आपकी बात समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे भैया लाइक करें कमेंट करें, ठीक है ना, देखिए भैया बिल्कुल हालत खराब हो जा। अब बात करेंगे दो अंकों की, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा दिया, दो अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें, दो अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें, क्लियर। तो करते हैं शुरुआत। अब दो अंकों की ये कह रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड में दो अंक की जितनी भी संख्या है उनको जोड़ो और आंसर दो, क्लियर, एक भी छूट ना जा। तो दो अंक की शुरुआत कहां से है, देखो एक अंक का है, दो एक अंक का है, 5 एक अंक की संख्या है, 9 एक अंक की संख्या है, 10 दो अंक की है, और इस दुनिया की पहली संख्या है 10 जो दो अंक की है, तो शुरू की पकड़ी गई कि कौन सी 10, फिर 10 से 15 20 25 30 55 60 65 65 85 95 96 97 98 99 100 तीन अंक की हो जा, तो लास्ट की संख्या है 99, कौन सी है 99, तो शुरू की मिलगी लास्ट की मिलगी, शुरू की लिखो लास्ट की लिखो, जोड़ दो 109, क्लियर। अब क्या करोगे, यहां से यहां तक संख्या कितनी, अब क्या करोगे, आप टोटल 99 संख्या मान लो, एंड का है 99, कि 1 से लेकर 99 तक मानना कि मेरे पास 99 संख्या, 99 मतलब होता है 1 से लेकर आपने 99 तक माननी है, 99 तक माननी है, कितनी गायब है, यहां देखो शुरू की 9 गायब है, 1 भी गायब है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी गायब है, 9 भी गायब है, शुरुआत है 10 से, तो 9 संख्या गायब है, आप 99 में से 9 गायब करो, कम करो तो 90, यानी कि ये संख्या है 90। अब 90 जोड़े कितने बनेंगे, 90 जोड़े बनेंगे 45, तो शायद 49,005 इसका आंसर होगा, मेरे आज रटे हुए सवाल है, गुणा कर लिया 49,005 ही होगा, मैं गुणा मिल करके देख रहा हूं, क्लियर। अब आपसे वो 3 अंक ही पूछ ले, आज तक सवाल 3 अंक पर नहीं आता, सवाल का एंड 50, 100, 150 तक ही हो जाता है, इतना बड़ा सवाल नहीं आता जितना मैं बोल रहा हूं, 3 अंक की सभी संख्याओं का योग,
तीन अंक की सभी संख्या अवयव ज्ञात करें। अब भैया तीन अंक की शुरुआत कहां से है? सो से। कहां से है? सो से। एंड कहां है?